क्रूस मामलार तदंत करथुबा मुंबई एनसीबी जोनल ऑफिसर समीर वांखडेंको विरोधरे आसथिबा लांच कारबार अभियोगर तदंत आरंभ करिछि एनसीबी। एहि तदंतरे समस्त साक्षींको बयान रेकर्ड करा तदंतकारी अधिकारी सूचना देइछन्ति। ड्रग्स मामलें प्रभाकर सैल नामक जणे व्यक्ति वांखडेंको विरोधरे 25 कोटी टंका लांच मागिथिबार अभियोग करिछन्ति। आर्यनकु छाडिदबाकु वांखडे एहि मोटा अंकर अर्थ मागिथिले बोली से अभियोग करथिले। एहापरे घटना महाराष्ट्र रे हईचई सृष्टि करथिला। एहापरे एनसीबी रो विजिलेंस टीम एहार तदंत आरंभ करिछि। मुंबई पुलिस मध्य एहि घटना रे मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। भद्रकर पिछा छाड़ू निधला जहर गतकाली भद्रक ग्रामांचल पुलिस 1 किलो 30 ग्राम ओजन ब्राउन सुगर जबत करिछि जहार मूल्य 1 कोटी 3 लाख टंका हेबो बोली कुहाजाइछि। एथिसहित 2 जन अभियुक्त को गिरफ करिछि पुलिस। अभियुक्त माने हेले भद्रक ग्रामांचल थाना हासिनपुर श्रीकांत प्रधान और अरुण सेठी। ब्राउन सुगर चलाण विषय में पुलिस आगुरी खबर पाइला पर भद्रक चांदिया पावर प्लांट छक निकट में भद्रक ग्रामांचल पुलिस चेकिंग करने समय 2 जन एक बाइक रे आसुवा समय पुलिस से धरी चेकिंग कर अभियुक्त पुलिस ब्राउन सुगर जबत कर आज अभियुक्त मानक कोर्ट चलाण हो भद्रक एसपी चरण सिंह मीना सूचना देखते। महामारी कोरोना संकट मरुड़ी एवं तालिबान रो आतंकी राजत्व मध्य जुझुची अफगानिस्तान एवं देशर किसी भाग में लोके नौ दुर्भिक्षर सामना करुवा बेले आसंता नवेम्बर मास सुधा अफगानिस्तान रो प्राय 2.5 कोटी लोक दुर्भिक्षर सम्मुखीन हो पारती बोली आकलन कर सबुठू गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आंक दुर्भिक्ष अफगानिस्तान मैंने झील मान बिक्री करने को पछाऊना एने सतर्क दी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। केन्द्रापड़ा पशिला बणुआ हाथी। केन्द्रापड़ा डेराबीस थाना अंतर्गत लक्ष्मीनारायणपुर पाटे आज एक बणुआ हाथी ठाप होता हाथीटी धान बिलरे पशि धान खाऊ लोके देखले हाथी को देखापी जनसमगम होगापर हाथीटी भयभीत हो एणेतेणे दौड़ा किसी समय पर हाथीटी जितियों राजपथ अतिक्रम कर लक्ष्मीनारायणपुर गांव भितर को प्रवेश कर फल ग्रामवासी मध्य आतंकित खेली जाता घटनास्थल में वन विभाग कर्मचारी पहुंची बाण फुटे हाथी को गाँव मध्य पार करने उद्यम करते विभाग पक्षर माइक जोगे प्रचार कर लोक सतर्क रही परामर्श दिया डेराबीस ब्लक वीडियो घटनास्थल में पहुंची थे तेज परवर्त अवस्था हाथी कटक जिला निश्चिंत कोईल ब्लक अभिमुखे जाता। दिल्ली में 1 नवेम्बर रु समस्त श्रेणी छात्र छात्री खोल स्कूल छठ पूजार आयोजन को मध्य मंजूरी दिया जाएगी। दिल्लीर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया घोषणा करते दिल्लीर समस्त क्लास 1 नवेम्बर रु खोल सिसोदिया डीएमए बैठक में स्कूल खोलने निष्पत्ति सहित सार्वजनीन छठ पूजार आयोजन को मध्य अनुमति मिली जाएगी। ममिता मेहर हत्या घटनारे भारतीय जनता पार्टी पक्षर न्याय प्रदान पाई केन्द्रापड़ा जिला आरक्षी अध्यक्षों अफिस् सम्मुखें धारणा दीजिए। ममिता मेहरों पर बलात्कार पर हत्या कर गोविंद साहू को फाँसी दि जाऊ भारतीय जनता पार्टी तरफ दावी हो घटन मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा इस्तफा दावी कर भारतीय जनता पार्टी पक्षर गणविक्षोभ हो सहित जारी रही उक्त विक्षोभ पर भारतीय जनता पार्टी केन्द्रापड़ा जिला सभापति किशोर कुमार पंडा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कल्पना मल्लिक महाकालपड़ा निर्वाचन मंडली विधायक प्रार्थी विजय प्रधान जिला उपसभापति कृष्णचंद्र पंडा समेत सप्ताधिक कर्मी इच्छुक ग्रामीण पार्क बुलिले प्रशंसा कले। बुधवार गंजाम जिलापाल बेगुनियापड़ा ब्लक गस्तरे आसथिया बेले केबोरीडा पंचायत रे निर्मित ग्रामीण पार्क परिदर्शन करछंती। पंचायत स्तरीय मनरेगा अर्थरे निर्माण होइथिबा एही पार्क रो सौंदर्य को उपभोग करबा सहित ट्वीट करी उक्त पार्क रो किछि फोटोचित्र शेयर करछंती जिलापाल। पार्क और पोखरीर सौंदर्यकरण को नहीं खूब खुशी व्यक्त करने सहित स्थानीय केबरीडा सरपंच चित्रसेन नायकों एथपाय प्रशंसा करते जिलापाल। अवसर में बेगुनियापड़ा गोष्ठी उन्नयन अधिकारी बेदवर प्रधान सहकारी निर्वाही जंत्री शाला संगीता टुडु ब्लक अध्यक्षा प्रतिनिधि विजय कुमार दोरा प्रमुख उपस्थित रही। गंजाम पंचायत समिति सभा गृहठारे विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा होती। छत्रपुर विधायक सुभाष चंद्र बेहरा गंजाम जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सोनम पोले जोगदे समस्त विभाग सरकारी अफिसर मानक सह विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा करते एथसहित पालबंध ग्रामर पंचायत विभिन्न उन्नयन प्रकल्प को परिदर्शन करने सह बाटेश्वर महापुर उन्नयन परिषद बैठक में जोगदे कर्मकर्ता मानक सह आलोचना करथिबार जणापड़िछि। धरावतरण करिछंती धनदात्री माँ गजलक्ष्मी गाँव ठारु सहर सबुठी माँ गजलक्ष्मी सुसज्जित पूजा मंडपरे पूजा होता बेले
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଂହାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନବାପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କରୋନା କଟକଣାର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମର 18ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନଦାତ୍ରୀ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରୋଷେଇ ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ ପରିବାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ଘରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘରର ଅନେକ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ନିଆଁ କବଳରୁ ଅଳ୍ପକେ ପୁରା ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସ୍କା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।